सवाल रेज किए हैं कि हमारा इसमें हमारी शमूलियत नहीं थी, और उन्होंने प्रिजनर्स एक्सचेंज के बारे से कहा है कि 5,000 कैदी जो हैं वो कैसे जाएंगे। और चेयरमैन साहब, क्योंकि मैं एम्बेसडर रह चुकी हूँ बहुत मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, मेरे लिए तो फ़ख्र की बात है कि हमने वो बातें सारी मनवा लीं उस वक्त भी, और होते होते काम करवाया जो पाकिस्तान के मुफाद में था। हम नहीं चाहते चेयरमैन साहब के अमेरिका जैसा बड़ा पावर जो है, सुपर पावर है इस वक्त भी दुनिया में सबसे बड़े जंगी बेड़े, चाहे वो बहरी हों या ज़मीन पे हों, उनके ही हैं। उनकी इक्तिसादी कुव्वत भी इस वक्त बिल्कुल अनमैच्ड है, लेकिन हम पाकिस्तान की इज्जत ज़रूर चाहेंगे। और मैं सवाल ज़रूर दो तीन करूँगी जो मैं समझती हूँ कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर अगर आ जाएँ और हाउस को एतमाद में लें उसमें बेहतरी होगी। इस हवाले से चेयरमैन साहब, पीपल्स पार्टी ने 7-7 महीने, प्रेसिडेंट जदाई ने कहा आप एम्बेसडर हैं, हम रोक के रखते हैं जब तक माफ़ी नहीं मांगी गई पाकिस्तान से, अमेरिका की माफ़ी नहीं मांगी गई। और जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो हमने सप्लाई लाइंस खोली पाकिस्तान की, हमने शमसी एयर बेस बंद किया जो खुफिया मुआहदों के ज़रिए अमेरिका ने वहाँ शुरू कराया था, और सारे सब कुछ जो बहाली की पाकिस्तान के रिश्ते की अमेरिका के साथ, वो एक इज्जत की बुनियाद पे थे और सॉवरेंटी की बुनियाद पे थे। ठीक है, हम कोई बड़ा सुपर पावर नहीं है चेयरमैन साहब, लेकिन अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का पिछले 8-9 साल से किरदार रहा है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव रहा है। और जो बात की जाती थी हमारे साथ कि पाकिस्तान मस्ट डू मोर एंड हक्कानी नेटवर्क मस्ट बी एलिमिनेटेड, रोज़ मेरी पेशी होती थी, रोज़ हर हुकूमत की पेशी होती थी, कभी पब्लिक में कभी प्राइवेट में, निजी हो या ये कहा जाता था पाकिस्तान कठेरे में खड़ा है। पाकिस्तान किस लिए कठेरे में खड़ा है? अब वही लोग अमेरिका के डायरेक्ट इत्तेहादी हैं और इस पर पाकिस्तान ने बेशक मदद की है, लेकिन जो इस वक्त तेज़ी में डील साइन हुआ है चेयरमैन साहब, वो बेशक अमन अफगानिस्तान और हमारे मुफाद में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल जो आप कंग्रेचुलेशंस बांट रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि अमेरिका से क्या हमारी बात हुई है, क्या उनसे कहा गया है यू मस्ट डू मोर? मैंने तो पब्लिक में कहा है, वहाँ वली नसर प्रोफेसर आए हुए थे, फॉरेन अफेयर्स कमेटी में भी आए, मैंने उनसे बीच लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में पूछा इज पाकिस्तान नाउ नॉट ओड एन अपॉलोजी, उन्होंने कहा येस इट इज़, येस इट इज़। वो ओबामा हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत कलीदी हिस्सा थे, बड़े दानिशमंद हैं, उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं खारजा पॉलिसी पे, और उन्होंने मैंने कहा नाउ इज इन इट टाइम दैट वी आस्क अमेरिका टू डू मोर फॉर स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान विद ट्रांसपेरेंसी। और आज मैं आपसे ये सिर्फ आखिरी बात करूँगी, छोटी सी, मुझे पता है आप बड़ी मेहरबानी जी, ये डेविड सेंगर हैं अमरीका के, बहुत बड़े किताब भी लिखते हैं, दानिशमंद हैं, इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत बार आज आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने बहुत अहम सवाल पूछा जो पाकिस्तान का पार्लियामान भी पूछना चाहेगा कि वहाँ जो सूरत हाल है, वो जो अग्रीमेंट हुआ है, वो पाकिस्तान के साथ क्या फुली शेयर नहीं हुआ है? क्योंकि आपको ज़िम्मेदार ज़रूर ठहराया जाएगा, ये बात तारीख में रिकॉर्ड हो जाए, अगर वहाँ कोई ऊंच नीच हुई तो कहेंगे क्वेटा शूरा, अभी भी आर्टिकल में आ चुका है क्वेटा शूरा पेशावर हेडक्वार्टर, देर इज नो क्वेटा शूरा चेयरमैन साहब, देर इज नो पेशावर हेडक्वार्टर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। और इसमें ठीक है हमने बहुत गलतियाँ की होंगी माजी में, लेकिन अमरीका बहादुर ने कोई कम किए हैं? उनके अपने डेविड सेंगर, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, उनकी बहुत बड़ी आवाज़ है, आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूछा है There has been little public discussion about the exact condition the deal sets. ये अमरीका पूछ रहा है और वो कांग्रेस मैन और सेनेटर्स की बात यहाँ पे हमें सुना रहे हैं। There are reportedly a series of not so secret annexes. यानी हिस्से हैं इसके, लीडर ऑफ द हाउस आप भी सुने, there are reportedly a series of not so secret annexes to the agreement that allow both special operations forces and the CIA to retain a presence in the country. अगर ऐसा है चेयरमैन साहब, इसमें पाकिस्तान को हिस्सेदार बनाया गया है, नहीं बनाया गया, इसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ और हमारे मुस्तकबिल, जहाँ तक रेफ्यूजीज़ हैं, जहाँ तक बॉर्डर है, जहाँ तक अफगान हुकूमत की अपनी इक्तिसादी साख है,
और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की साख है, क्योंकि इस वक्त कौन जामिन होगा इस अमन के डील का और कौन बताएगा हमें कि वहाँ अमेरिका क्या कर रहा है। हम अमेरिका के अभी तक नॉन नेटो एलाय हैं, हमें इज्जत से जवाब दिया जाए कि हमारा मुल्क इतना बड़ा हिस्सेदार है इस अग्रीमेंट में, तो आपके साथ शायद शेयर भी नहीं हुआ। फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पहले कम से कम कमिटीज में या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनी हुई है चेयरमैन, दोनों हाउसेस की एक बात नहीं हुई है उनमें, ना फॉरेन अफेयर्स कमेटी में इसमें एक बात की गई है, ना नेशनल असेंबली की, ना सेनेट की, ना डिफेंस कमेटी में ये बात की गई है। पाकिस्तान का पूरा मुस्तकबिल, सारा सिक्योरिटी मुस्तकबिल, हमारी सारी पूरी साख जो है 30-40 साल तक इस किस्म के मुआहदे के हवाले से बार बार उस पर सवालिया निशान उठाए, हम कठेरे में खड़े रहे, हिंदुस्तान सर पे चढ़ चुका है, वो अपने आप को कंटिग्यूस पार्टनर कह रहे हैं। पार्टनर अगर है कोई तो हम हैं, और हमें बताया जाए वहाँ आइन, अफगानिस्तान के आइन की किस तरह तहफ्फुज की जाएगी, कौन इस अग्रीमेंट में होगा जो नॉर्वे में इंट्रा अफगान डायलॉग हो रहा है। प्रेसिडेंट अशरफ गनी आखिर जो भी हैं उनकी मुस्तनद बात है, उनकी बात सुनी जाए, वहाँ अब्दुल्ला उनसे बात करने तैयार नहीं है। जो सूरत हाल है, ये साइगॉन, मैं नहीं कह रही ये साइगॉन वाला एग्जिट है अमरीका के लिए, मगर अगर हो तो आपको याद है हेनरी किसिंजर के क्या अल्फाज थे कि दो साल में हम एक डिसेंट इंटरवल के बाद आप देखिएगा यहाँ इस्तेकाम होगा। उस दो साल के अंदर अंदर वियतनाम किसके हाथ में था? ठीक है, इंसर्जेंट्स के हाथ में था। वो चलिए इस्तेकाम आज तक हो चुका है, लेकिन अमेरिका इस वक्त जो इनखिलाफ कर रहा है या नहीं कर रहा है उसकी डिटेल्स पाकिस्तान हुकूमत के पास ज़रूर होंगी, अगर नहीं है तो उनकी मुजरमाना गफलत है, और ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करनी चाहिए। शुक्रिया चेयरमैन साहब जी। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री, क्या कहना चाहते हैं सऊद सर? नहीं, वो कोई और बात करना अगर चाह रहे हैं, वो इस पे तो नहीं जवाब देंगे अभी, वो फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं। जी मिनिस्टर साहब। सर जाहिर है कि गवर्नमेंट अपनी इनपुट देगी, लेकिन आप आज बात ही करना है आपने जी। लीडर ऑफ दी हाउस जो है बाहर जा चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब इस्लामाबाद में तो बात करेंगे, लेकिन मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि शरीर रहमान साहिबा ने और मेरे दूसरे बैरिस्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट जो है बड़ी अहम बात जो है की है, और इस वक्त पाकिस्तान की नहीं, इस पूरी 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 इस खत्ते की जो सियासत है, इसका जो मुस्तकबिल है, इसका जो हाल है, इसके ऊपर उसका इन्हिसार है कि दोहा के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ और उसकी एक लंबी तफसील है, उस तफसील को मैं बयान नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खुदा ताला का शुक्र अदा करें हम सबको, मैं अपोजिशन को भी कहता हूँ और ट्रेजरी को भी, आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि एक जिस किस्म का भी इत्तेहाद बनने जा रहा है, लेकिन एक माहौल बनने जा रहा है, उस माहौल की सदाकत, उस माहौल की सच्चाई के ऊपर हमें उंगलियाँ नहीं उठानी चाहिए बल्कि तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह शरीर रहमान साहब ने किया कि हमें बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए और अफगान मुस्तकबिल के लिए और दुनिया के मुस्तकबिल के लिए, पूरे रीजन के मुस्तकबिल के लिए, कम अज़ कम इस मौजूदा हुकूमत को, इसकी फॉरेन पॉलिसी को कम अज़ कम दाद देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ हम खड़े हों, उनको वक्तन फक्तन जो है हर किस्म की असिस्टेंस दें, उनको कोशिश करें कि हम वो रास्ता बताएं जिसके ज़रिए से जो है हमेशा के लिए यहाँ के मसाइल जो है, जिस तरीके से बताया कि इंडिया जो है अपने आप को एक फरीक समझता है, जो फरीक कतन भी नहीं है, इंडिया का अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के मामलात के साथ स्वाय पाकिस्तान की तबाही के और कोई अमल दखल नहीं है, और इंशाल्लाह ताला उसको मुंह की खानी पड़ेगी। परवरदिगार हमें सुरखरू करेगा, इस खत्ते को सुरखरू करेगा, और मुसलमानों का, मैं मुसलमानों से ज्यादा इंसानों का जो बेगुनाह खून 1989 से लेकर आज तक जो बहा है और जिस तरीके से अमरीका वहां से निकला है, मैं समझता हूं कि पूरी इंसानियत को इसकी इसका जो है इसका फरीक बनना चाहिए, और कम से कम इस कामयाबी के ऊपर जो है मैं पूरी इंसानियत को मुबारकबाद पेश करता हूं कि कम से कम इंसानों का खून जो है वो नहीं बहेगा, और अफगान जो है जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने मुल्क के अंदर भी और अपने मुल्क से बाहर भी, खुदा ताला का शुक्र है कि यहां पर कुछ हालत जो है कम से कम बेहतर है, उसके तहत मैं ये समझता हूँ कि इस इंसानियत के नाते से इस मुआहदे को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपना मुस्बत रोल अदा करना पड़ेगा। थैंक यू जी। जी सेंटर।